कि हमने रिमाइंडर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पूरा किया, फिर रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से पूरा किया। अब हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए, अगर हम उसके प्रीवियस सारे क्वेश्चन को देखें, एग्जाम के सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके अच्छे से, बहुत अच्छे से देखा जाए, तो ये जो टॉपिक है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, वो नंबर सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसे देखोगे। तो हम शुरू करते हैं, टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन। नंबर पढ़ते समय एक चीज देखा था, क्या नंबर या तो प्राइम नंबर और या तो कंपोजिट नंबर में तोड़ा जा सकता है। कोई भी नेचुरल नंबर वो या तो एक होगा या तो कंपोजिट होगा और तो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। और एक को हमने अलग रखा था, क्यों, हमने बताया था कि ना तो एक प्राइम है ना कंपोजिट है, कंपोजिट तो हो ही नहीं सकता, लेकिन प्राइम भी नहीं, क्यों, क्योंकि इसके दो फैक्टर अलग अलग नहीं है, एक खुद और एक एक। ये अगर कुछ अलग होता तो हम इसे बोल सकते थे कि ये प्राइम है, लेकिन क्योंकि इसमें एक खुद और एक दोनों सेम चीजें हैं, इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि एक प्राइम नंबर नहीं है। तो जब बात हम एक की कही है, पढ़ लिए थे प्राइम नंबर, पढ़ लिए थे, अब हमारे पास है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब कि भाज्य संख्याएं जो डिविजिबल हो किसी और से, और से मतलब एक और खुद के अलावा। अगर मिल जाता है तो मैं उन संख्याओं को क्या बोलता हूं, भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट संख्याएं हैं, जैसे कि चार। चार के अगर फैक्टर की बात किया जाए, फैक्टर मतलब गुणनखंड, एक होता है, दो होता है और चार खुद होता है। तो एक और खुद के अलावा भी उसके पास एक फैक्टर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर हैं, ये जो इसके गुणनखंड हैं, हमें सारा कंसंट्रेशन इसी पे लगाना है, इसी पे ध्यान देना है कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमारे पास एक टॉपिक क्या बन गया, फैक्टराइजेशन। तो अगर हम सारे कंपोजिट नंबर को, सारे भाज्य संख्याओं को ध्यान से देखें तो हर संख्याएं अलग अलग फैक्टर लेके चलती हैं। जैसे आपने चार देखा, उसका फैक्टर एक दो चार, अगर छह होता तो इसका एक फैक्टर एक, एक फैक्टर दो, क्योंकि दो से भी छह कट जाएगा, एक फैक्टर तीन, क्योंकि तीन से कट जाएगा, और एक क्या, छह। तो इसके एक दो तीन और छह में क्या बोलूंगा, छह के क्या है, फैक्टर है। तो अगर यहां पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करूं तो कितने हैं, चार। यहां पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करूं तो कितने हैं, तीन। ऐसे में कोई नंबर और ले लूं, 24 ले लूं, 24 का एक से डिविजिबल होगा, दूसरा दो फैक्टर होगा, तीसरा फैक्टर इसका तीन होगा, चार भी इसे डिवाइड करेगा, फिर छह होगा, फिर आठ होगा, फिर बारह होगा और फिर 24 होगा। तो अगर हम 24 को देखें तो इसके कई सारे फैक्टर मिल गए, एक दो तीन चार छह और 24, कितने गुणनखंड है इसके, चार चार आठ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फैक्टराइजेशन से यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन कहां से पूछता है, बस यहीं से वो क्वेश्चन पूछता है। वो कोई भी नंबर आपको दे देगा और बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो भाई चार का पूछा तो हमने तीन गिन लिया, छह का पूछा तो हमने चार गिन लिया, 24 का पूछा तो हमने आठ गिन लिया। लेकिन ये संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे, और अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका समय जाएगा, इसलिए आपके पास बेहतर तरीका होना चाहिए। आपको इसका बेसिक और अच्छे से समझना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि आखिर फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन करने का फायदा क्या होता है, और हम कैसे उस पर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, कैसे लगेगा, और आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछे हुए क्वेश्चन को हम फिर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि हमारा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि फैक्टराइजेशन क्या है। तो अभी जैसे हमने चार को देखा, छः को देखा, 24 को देखा, और इससे डिफरेंट इसके जो फैक्टर निकालने से तोड़ रहे हैं, यही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे चार है, मैं चार को अगर दो प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि 2×2 लिखा है। अगर छह को दो प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसे बोलूंगा 2×3 लिखा है। मैं बारह को तोड़ू तो ये 6×2, और फिर तर ये 6 टूट सकता है 2×3×2।
तो देखो ये जो प्रोसेस है, मतलब किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर में तोड़ना क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। और क्योंकि हम किस में तोड़ रहे हैं? प्राइम नंबर में, इसलिए इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो ऐसे प्रोसेस से हमें हेल्प क्या मिलने वाली है, ये बात को ध्यान देते हैं। तो जैसे हमने 6 को तोड़ा, 4 को तोड़ा, 12 को तोड़ा, एक बार हम 24 को भी तोड़ के देख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? 6 × 4, और 6 को फर्दर गुणेंगे 3 × 2, और इसे 2 × 2, अगर इसे हम फर्दर तोड़े तो 24 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 3। ध्यान दीजिएगा, 12 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 3। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, आप नंबर ले लीजिए 45। 45 को आप क्या लिख सकते हो? इधर मैं लिख रहा हूं 9 × 5, और 9 को फर्दर क्या लिख सकते हो? 3 × 3। तो ये जो प्रोसेस है आपका कि एक कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ना, प्राइम क्यों? क्योंकि जो नंबर आपका होना चाहिए वो सारे क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। और प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प क्या मिलता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, हम एक बात समझते हैं। तो मैं एक आपके पास एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एक नंबर लेके चलता हूँ, और उससे देखते हैं कि मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ ताकि आपको आसानी हो, सुविधा हो समझने में। मान के चलिए कि एक नंबर है 720। अगर 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना हुआ तो हम इसे क्या करेंगे? तोड़ेंगे। इसे लिख सकते हैं 72 × 10। देखिए, आपने स्कूलों में अपने छोटी क्लास में सीखा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन को, ऐसे भी तोड़ सकते हो। ऐसा कुछ मेथड आप सीखे होंगे, 2 से आप स्टार्ट करते हो, ये 360 बार जाएगा, फिर 2 से तोड़ोगे कितनी बार जाएगा? 2 × 1 = 2 = 180 बार जाएगा, फिर इसे आप 2 से छोड़ोगे 90 बार जाएगा, फिर 45, फिर 2 से अब जाएगा नहीं तो किससे जाएगा? 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, और फाइनली जब 5 से जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये प्रोसेस आपने स्कूल में सीखा होगा फैक्टराइजेशन का, सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन हम थोड़ा इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा और क्विक होता है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो, है ना। अल्टीमेटली हमें फैक्टर्स निकालना होता है। अगर हम इसे लिखेंगे तो इसे 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4, क्योंकि 4 × 2 है, 3 की पावर 2 और 5, यानी मैं बोलूंगा कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5। ठीक है, इसे 72 को करें तो 72 × 9 × 8, और ये 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 2। तो ये 3, 2 तो यहाँ पे छुपा है, 1, 2 यहाँ पे है, तो कितना आ गया? 2 की पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर 2, और यहाँ पे 5। देखिए इस प्रोसेस से और इस प्रोसेस से दोनों रिजल्ट क्या है? सेम है। तो फैक्टराइजेशन आप किसी भी मेथड से करो, डिपेंड ये करता है कि फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें क्या करना है, उसका एप्लीकेशन कहाँ है। हम इस चीज को सीखते हैं, तो हमें साइड में बोल रहा हूँ, साइड में कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख ले रहा हूँ कि 720 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर 4 × 3² × 5 आप आसानी से लिख सकते हो। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो एक बार 2 सेकंड का पॉज लेके आप ये सोचो कि इस इंफॉर्मेशन से आप क्या क्या निकाल सकते हो, इस इंफॉर्मेशन से आप क्या क्या जान सकते हो। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात, जब आपने इसे तोड़ा तो आपको पता चल गया कि 2 की हाईएस्ट डिग्री क्या है, है ना। 2 की हाईएस्ट डिग्री क्या है? डिग्री मतलब इसका मैक्सिमम पावर। 3 की डिग्री क्या है? 2। 5 की डिग्री क्या है? 1। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो उसका पावर क्या जाता है? 1 जाता है। तो हम यहां से पता लगा सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, और पावर पता लगाने के बाद हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अक्सर आप लोग एग्जाम में या बहुत सारे टेस्ट सीरीज, हमारी टेस्ट सीरीज जब आप सॉल्व किए होंगे तो वहां पे 1-2 क्वेश्चन मिला होगा कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो संख्या को पूर्ण वर्ग पता करने के लिए हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है? फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है। अभाज्य गुणनखंड निकालने से कैसे पता चलता है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर पहले होता क्या है, आप इस बात को समझिए। परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, कोई भी नंबर जो वर्ग हो उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग, मतलब वो इंटीग्रल वैल्यू हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या? इंटीग्रल वैल्यू हो, फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो। जैसे 4 किसका है? 2 का स्क्वायर। जैसे 9 किसका है? 3 का स्क्वायर। जैसे 36 किसका है? 6 का स्क्वायर।
49 किसका है, 7 का स्क्वायर। तो ये सारे नंबर क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये 2 का स्क्वायर मतलब क्या लिखा है, 2 into 2, ये क्या लिखा है 3 into 3, ये क्या लिखा है 6 into 6, और ये क्या लिखा है 7 into 7। तो हर परफेक्ट स्क्वायर में जो प्राइम नंबर है उसका आपको क्या मिल रहा है, एक पेयर मिल रहा है, एक जोड़ा मिल रहा है। यहाँ पे 2 का पेयर मिल रहा है, यहाँ पे 3 का पेयर मिल रहा है, यहाँ पे 6 का जोड़ा मिल रहा है, और यहाँ पे 7 का जोड़ा मिल रहा है। तो कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हमेशा पेयर में मिलेंगे, हमेशा जोड़े में होंगे, और अगर जोड़े में नहीं है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, जैसे कि आपका 720। 720 को अगर मैं फिर से लिखूं यहां पे तो 2 4 बार आया है, 3 2 बार आया है, और 5 1 ही बार आया है। ध्यान से देखिए, तो मैं बोलूंगा एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर बना क्या, नहीं बना। तो जब इस नंबर का कोई जोड़ा ही नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है। बात समझ में आ गई आपको? तो संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका पेयर बनना चाहिए। पेयर कैसे बनता है, 2 होने चाहिए मिनिमम, और 2 से ज्यादा हुए तो फिर पावर किस में जाएगी, इवन में जाएगी। जब जब पावर इवन में होगी, अगर सारे प्राइम फैक्टर, जैसे ये भी क्या होता, मैं कह रहा हूं ये 14 होता, 14 एक सम संख्या है, 4 3 की पावर 2 5 की पावर 14। अभी इस पे ध्यान ना दीजिए, मान लीजिए कोई संख्या होती 2 की पावर 4 3 की पावर 2 5 की पावर 14, तो ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, मैं बोल देता कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन क्योंकि यहां पे 5 की पावर 1 ही है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो किसी संख्या को पूर्ण वर्ग पता करने के लिए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम ये पता लगा लेंगे कि जो उसकी पावर है, मैक्सिमम पावर यानी कि जो उसकी डिग्री है, वो इवन है यानी कि सम है कि नहीं। अगर सम नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो मान लीजिए ये 3 की पावर 9 होता, 9 विषम संख्या है, तो भी ये क्या होता, पूर्ण वर्ग नहीं होता। यहां पे इसका सम होना जरूरी है। तो 720 आपका क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, अभी मैं आपसे बोलूं कि 720 को किससे भाग दे दिया जाए, है ना, किस संख्या से 720 में भाग दे दिया जाए कि यह संख्या आपकी क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग। क्योंकि आपको पता है यह पूर्ण वर्ग है नहीं, लेकिन एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है कि इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, और UP SSC में आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान से देखिए कि किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अभी अभी हमने सीखा कि उस संख्या का जो पावर है मैक्सिमम वो क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। लेकिन यहां पे तो नहीं है, तो वो क्या कह रहा है, वो यही तो आपसे पूछ रहा है कि आखिर कौन से नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, मतलब वो कौन सी संख्या निकाल दी जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अभी ये संख्या ना होती तो आपका पूर्ण वर्ग ना हो जाता, पावर 1। हमें पेयर बनाना होता है, जब हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करना होता है तो हमें पेयर बनाना होता है। तो देखो, जैसे एक फैक्टर आपका अगर इसका सबका गुणा कर लिया जाए, 2 की पावर 0 1 into 1 into 1, यानी क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। फिर ऐसे इसका गुणा कर लीजिए, 2 की पावर 1 into 1 into 1, दूसरा फैक्टर क्या, 2। तो ऐसे ऐसे करके पेयर बनाना पड़ता है। अब आपको अगर सम चाहिए और ये लेके चलेगा तो आपका फिर सम फैक्टर इवन होंगे, मिलेंगे नहीं, इसलिए आपको बस यही स्किप कर देना है और बाकी सारे पेयर बना लेना है। तो उससे क्या बन जाएगा, आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो इवन वाले हैं वो पता चल जाएगा। इन शॉर्ट, जब आपको टोटल इवन फैक्टर कुल सम फैक्टर निकालने हो तब आपको ये 1 नहीं जोड़ना है। पावर में वो भी किसके, 2 वाले के मैक्सिमम में 1 नहीं जोड़ना है और बाकी सब में 1 जोड़ना है। और फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 3 × 2, देखिए 24 आ गया कि नहीं आ गया। तो इन शॉर्ट, जब आपको टोटल सम फैक्टर निकालना है तो 1 नहीं जोड़ना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपको टोटल विषम फैक्टर, विषम गुणनखंड, ऑड फैक्टर की बात करें, तब आपको क्या करना है, यहां पे कुछ भी नहीं लेना है, हालांकि 1 रहता है लेकिन आप समझो कि कुछ नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, केवल 3 × 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप इन्हीं दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता चल जाएगा, यानी कि 6 + 24 कितना हो जाएगा,
30 और वैसे भी टोटल निकालने के लिए इसका भी प्लस 1 करके गुणा कर दोगे तो निकल आएगा। तो फैक्टराइजेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। बस ध्यान देना है कि जब आपको सम गुणनखंड की बात करे तब एक नहीं जोड़ना है, सीधा 4 × 3 × 2 करना है। जब आपको केवल 2 की पावर की बात कर रहा हूं, जब आपको विषम करना है तो आपको आगे कुछ नहीं लेना है, केवल 3 × 2 लेना है, और जब टोटल लेना है तो सब में एक एक बढ़ा के लेना है। बस इतना आपको ध्यान रहेगा तो आप सम भी निकाल सकते हो, विषम भी निकाल सकते हो, और कुल गुणनखंडों की संख्या भी निकाल सकते हो। कई बार एग्जाम में पूछा है, यहाँ पे मैं लिख दूं पहले क्या क्या पता कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। कई बार एग्जाम में यह भी पूछा है कि कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, मतलब कि अगर मैं सारे गुणनखंड ऐसे निकालूं जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ये सारे गुणनखंड है, और फिर अब मैं इनको जोड़ूं, ऐड करूं, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 9 ये करवाना चाह रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको ये करना पड़ जाए तब आप क्या करोगे, फिर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं केवल थोड़ा सा फॉर्मूला बताऊंगा आपको, डिटेल आप नेक्स्ट सेक्शन में देख लीजिएगा, जो फैक्टराइजेशन का है हमारे चैनल पे पढ़ा है, आप उस पे देख लीजिएगा। हमने जब इसका फैक्टराइजेशन किया तो क्या मिला, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1, यही तो मिला, 720 का फैक्टराइजेशन किया। तो अगर हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है, सारे गुणनखंडों का योग निकालना है, तो आप क्या करो, 4 तक गया है, आप 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 तक यहां पे ऐड करो, फिर 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 तक यहां ऐड करो, और +5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 तक यहां ऐड करो, और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, कुल सम यानी कि उसका योग, सारे गुणनखंडों का योग पता चल जाएगा। ध्यान रखिएगा आपका जीपी सीरीज बनेगा, और ये जीपी से आप निकाल सकते हो या आप डायरेक्ट ऐड करके निकाल सकते हो, जिसमें आपको आसानी पड़े। लेकिन अगर आपको आता है कि योग क्या होगा तो बस ध्यान रखिएगा कि 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, उसकी मैक्सिमम पावर तक, ये भी 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम पावर 2 तक जाएगा, ये भी 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम पावर, क्योंकि यहां पे 1 है तो 1 तक ही जाएगा, और हमें कुल फैक्टर का योग पता चल जाएगा। तो यहां से हमें एक बात और पता चल गया, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो देखिए फैक्टराइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी सारी चीजें हमें केवल इसी से पता चल गई। यही नहीं, बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए परीक्षा को हमें ध्यान में रखते हुए हम आपसे वही डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आना है, और आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपसे ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए।